फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। सो बच्चों, हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी अभी चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा और कैपेसिटर्स कहा, तो ये टॉपिक कहां से आ गया, ये तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। तो बच्चों, ये टॉपिक जो है उसका आधार बनता है। जब हम अपनी क्लास 11th में देखते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स, और बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने देख लिया है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से द वर्क डन बाय दोज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। वो जो वर्क होता है, जो फोर्स जो काम कर रही होती है, हम जानते हैं कि वर्क को करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब कभी भी कोई ऐसी फोर्स हो जिसके द्वारा किया गया वर्क जो है पाथ पर डिपेंड ना करे। अब आप पाथ से क्या समझते हैं, जब मैं स्टार्ट करूंगा आप कंप्लीटली समझ आएंगे। पाथ पर डिपेंड ना करे, खाली पोजीशंस पर डिपेंड करे कि इनिशियल पोजीशन कहां है और फाइनल पोजीशन कहां है। मतलब आपको काम कहां से कहां तक करवाना है, सिर्फ उस पर फर्क पड़े, बल्कि इस चीज से फर्क ना पड़े कि रास्ता कैसा भी है, किस रास्ते से उस काम को करवाना है, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट को हमने अपने 12th क्लास में फॉरवर्ड करा है, और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम कूलम्स फोर्स है, और कूलम्स फोर्स से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इसका मतलब आज हम करेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव है। और बच्चों, कंजर्वेटिव के लिए यही चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो यहां से ही निकलेगा। और बच्चों, वो किसका आधार बनेगा, वो आधार बनेगा पोटेंशियल का। मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इससे आपके तीन सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। जिस किसी को 11th स्टैंडर्ड में कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में समझ नहीं आया है, वो भी समझ सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर भी यहां से ही पता लग जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर भी पता लग जाएगा, और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पता लग जाएगा, और पोटेंशियल के बारे में आधार सेट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैंने आपको बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। सपोज मैं एक फोर्स की बात करता हूं, जब भी हम जानते हैं वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो हम जानते हैं फोर्स चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस करती है, पर यहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं, तो यहां पर हमें चार्जेस के ऊपर एक फोर्स देखनी है, चार्जेस के ऊपर फोर्स देखनी है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और पाथ बनाएंगे। देखिए बच्चों, सपोज ये पहली वाली लोकेशन है, ये दूसरी वाली लोकेशन है, ए से बी जो दो लोकेशंस है, मतलब हमें यहां से लेके यहां तक जाना है। एक रास्ता मैं ये रख रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक जाना है, दिस इज सेकंड पाथ, और यहां से यहां तक जाना है, दिस इज थर्ड पाथ, एंड द रास्ता मे बी लाइक दिस, ये एक और रास्ता हो सकता है, एंड मे बी इट इज लाइक दिस, ये इस तरीके का रास्ता हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, पाथ फोर, पाथ फाइव, इसका मतलब हमें काम से लेना देना है, इन पाथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक कंडीशन आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब पाथ के इंडिपेंडेंट हो। क्या चीज इंडिपेंडेंट हो बच्चों,
वर्क निकालना जो है, वर्क जो है अगर इंडिपेंडेंट हो पाथ के, किस फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से बना है उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और एक और दूसरी बात होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और वो क्या कहता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चों यही रिलेशन आप ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखते हैं, मतलब एफ जी में भी यही देखते हैं, और किस में भी देखते हैं, कूलम्स फोर्स में भी देखते हैं। तो आज हम करेंगे कि कैसे पाथ पर डिपेंड नहीं है। उसके लिए बच्चों स्टार्ट करता हूं, मैं थ्री डायमेंशनल एक्सिस लूंगा, स्टार्टिंग में मैं तीन एक्सिस लूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, और उसके अंदर किसको रखूंगा, उसके अंदर मुझे एक रास्ता बनाना है जिसके ऊपर मैं कहूंगा कि ए से बी तक मुझे क्या लेके जाना है, किसी भी, अब चार्जेस की बात हो रही, तो एक टेस्ट चार्ज को जब ए से उठाकर बी के पास रखेंगे तो उस वक्त उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम कौन करेगा, काम हम लोग करेंगे, वी आर द एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ डूइंग वर्क, हम बाहर से काम करने वाली एजेंसी हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले डायग्राम को आप समझेंगे, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो ये मान के चलिए आपने 100 में से 40 काम खत्म कर दिया। देखिए बच्चों इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जी एक्सिस। तो यहां पर जो है ओरिजिन है, और ओरिजिन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, लेट इट बी क्यू। तो देखिए बच्चों यहां पर ओ मान के चल रहा हूं, इसको मैंने आपके पास सोर्स चार्ज रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो लोकेशंस देने हैं, एक लोकेशन आ गया ए और दूसरा लोकेशन आ गया बी। तो इट मीन्स दीज आर द टू लोकेशंस। तो बच्चों आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड में आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, जिसने नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ए लोकेशन का पहले पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब ए के पास पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसको मैं यहां से ऐसे लेता हूं और ए के पास लेके जाता हूं, और इसको पोजीशन वेक्टर बोलता हूं आर ए, मैं बोलता हूं लेट आर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लोकेशन, एंड सिमिलरली आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लोकेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए से लेके बी तक क्या करना है, किसी चीज को लेके जाना है, मतलब किसी चीज, मतलब यहां पर क्या होगा, एक चार्ज होगा। तो कौन सा चार्ज होता है बच्चों, टेस्ट होने वाला चार्ज, मतलब मैं चाहता हूं कि ए से बी के पास चार्ज जाए। अरे बच्चों चार्ज कैसे जाएगा, चार्ज तब ही जा पाएगा जब उसके ऊपर कुछ फोर्स होगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स होगा तो इसका मतलब वर्क क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक रास्ता, आपकी अपनी इच्छा है, रेंडमली आप कोई रास्ता ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, जैसा भी लेना चाहे ऐसा ले सकते हैं। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके का रास्ता लेता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि ए से बी के पास मैं अपने वर्क को करवाना चाहता हूं, ए से बी तक मैं अपने टेस्ट चार्ज को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन बच्चों यहां पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि क्यू जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों, और फील्ड कैसा होगा बच्चों, आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स होगा। तो बच्चों इसको मैं बाहर भी कर सकता हूं, मैं यहां पर आपको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, आप देखिए इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये सब डायरेक्शन में फील्ड हो सकता है। तो आप बोल रहे होंगे मैंने इसलिए लगाया यहां पर क्योंकि मेरी डायग्राम खराब नहीं होनी चाहिए। तो एक यहां पर क्या करता हूं कि मैं इस तरीके से भी फील्ड बाहर की डायरेक्शन में लगा सकता हूं, और इस तरीके से भी मैं फील्ड बाहर की डायरेक्शन में लगा सकता हूं, मतलब कहीं पर भी देखेंगे तो हर एक जगह पर, इवन कि यहां पर भी फील्ड बाहर वाली डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, इतना खिचड़ी मचाने का कोई रोल नहीं बनता, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये वाली चीजें मिटा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डायरेक्शन होता है, और ये ओरिजिन मान लिया। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास ये ऐसा रास्ता है, जब इस तरीके की, जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कैलकुलस का प्रयोग करते हैं,
इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब रास्ता है ए से बी के पास पहुंचाने का। इसका मतलब हमने जो वो टेस्ट करनी है, जो चीज मतलब टेस्ट चार्ज है, उसको हम कहीं पर रखते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, एक पहले ये पूरा रास्ते का ए से लेके बी रास्ता कंप्लीट रास्ता है, इसका छोटा सा हिस्सा लेंगे। छोटे से हिस्से के लिए क्या कर देंगे, मैं यहां पर एक पॉइंट पी रख दूंगा और यहां पर एक पॉइंट क्यू रख दूंगा। बोले बच्चों ये क्यों लिया मैंने, शायद आपको समझ आ गया होगा। जैसे बच्चों हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल है तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देते हैं, लेकिन बच्चों इस तरीके की कोई डायग्राम हो जाए जो बिल्कुल ऐसी हो जाए जिसका कोई भी एक डेफिनेट शेप ना हो, तो वहां पर हम छोटे छोटे हिस्से लेते हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइट सी स्मॉल हिस्से लेते हैं, और फिर हम बोलते हैं उन छोटे छोटे हिस्सों को रेक्टेंगल बनाते हैं। पर इसमें किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम कैलकुलस का प्रयोग करते हैं। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी मैं अपने डायग्राम को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि P और Q, आप सोच रहे होंगे ये दूर दूर पॉइंट है, लेकिन बच्चों अगर मैं बहुत करीब रख दूं P और Q को, बहुत करीब रख दूं, तो फिर मेरा को क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहां पर, क्योंकि आप देख ही नहीं पाओगे कि P और Q, ये हमें मानना पड़ेगा कि P और Q जो है बहुत करीब है, आप भी मान लीजिएगा। हालांकि ये यहां पर रिप्रेजेंट थोड़े दूर किए हुए, किस लिए किए हुए वो अभी आपको बोलने वाला हूं, क्योंकि उसके बगैर तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हमें दूर करना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब पहली कंडीशन, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट, तो इसको मतलब मैं इसको लिख सकता हूं डीएल। पी से लेके क्यू तक मैंने क्या ले लिया बच्चों, डीएल ले लिया। अब देखिए ये किस लिए लिया होगा, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से है, अगर P से लेके Q की बात करूं, सपोज P से लेके, बोले बच्चों ये सीधी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि मुझे अप्लाई करने होते वो फॉर्मूले जो मैथ्स में हमारे पास अवेलेबल हो, तो इस तरीके के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं कंप्लीट इसके कोई नजदीक कोई R रख दूं, तो देखो ये लगभग ऑलमोस्ट, नॉट द परफेक्ट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि P से Q तक मैं लगभग इसको क्या बनाना चाहता हूं, एक स्ट्रेट पाथ बनाना चाहता हूं, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसी के बाद मैं इस पर फॉर्मूलाज लगा सकता हूं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आगे या ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन, देखिए हर एक जगह पे, तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रख रहा हूं ड्यू टू दिस चार्ज। अब बोलिए यहां पर कुछ फोर्स होगा, आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, डीएल इधर है, तो सपोज मैं क्या करता हूं कि जहां पर मैंने वो एलिमेंट लिया है उसको मैं एंगल थीटा मान के चलता हूं, द एंगल इन बिटवीन ई एंड डीएल इज थीटा। अब देखिए बच्चों हम स्टार्ट कहां से करेंगे वो कहने वाली बात है, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्स वाई जेड इन विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड we wish to find the work, हम work को निकालना चाहते हैं from A to B पर किसके ऊपर, एक test charge, suppose मैंने test charge Q not समझते हैं आप, Q not एक test charge रखूंगा मैं, यहां पर लिखता हूं test charge क्या मानूंगा Q not, तो अगर इधर रख दिया इसके ऊपर। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि छोटा सा काम, अगर छोटा सा एलिमेंट लिया है तो छोटा सा काम किसके बराबर होगा, हम बोलेंगे small amount ऑफ वर्क डन, छोटे अमाउंट का वर्क डन किसके बराबर होता है, पहले हम उसकी बात करेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है। तो वो होगा dW के बराबर। तो देखिए बच्चों अगर मैं छोटा सा वर्क निकालना चाहता हूं तो वो dW के बराबर आएगा, और dW किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय किसके ऊपर बच्चों, छोटा सा डिस्टेंस। इट मींस मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं dW फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका बच्चों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है किससे रिप्रेजेंट हुई है, dL से रिप्रेजेंट हुई है, छोटे से डिस्टेंस से रिप्रेजेंट हुई है। तो मैं यहां पर क्या डालूंगा, यहां पर लिख सकता हूं मैं और F डॉट dL। अब देखिए बच्चों अब हम जानते हैं F डॉट dL, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी cos थीटा, यहां पर आ जाएगा F dL cos थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dW इज इक्वल्स टू F dL cos थीटा।
अब देखिए बच्चों, एफ जो फोर्स है, अब हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलम्स फोर्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है, और वो किसके बराबर होता है, यहां पर लिखता हूं मैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं सपोज, तो देखिए फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, मैं फोर्स की जगह पर क्यू नॉट ई डाल दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एल कॉस थीटा। अब बच्चों ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां पर एक चार्ज निकाल रहा, तो वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो देखिए अब मैं इसमें से बोल सकता हूं कि यहां पर देखिए, यहां पर क्यू नॉट जो है स्केलर वन है, ये तो छोटा सा काम था। अगर मैं बड़ा वर्क निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे तो ज्यादा काम चाहिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं नाउ टोटल वर्क डन विल बी गिवन एज। कैसे मिलेगा बच्चों? आर हम कैसे देख सकते हैं, इसको बीच में लिख दूंगा, बाय इंटीग्रेटिंग द अबव, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाय इंटीग्रेटिंग द अबव। बोलिए बच्चों कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वो डब्ल्यू बन जाएगा, और यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू नॉट ई डी एल कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, इसमें से क्यू नॉट बाहर चला जाएगा, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट को मैंने बाहर कर दिया, और अंदर मेरे पास क्या है, ई डी एल और आगे कॉस थीटा। देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इस वर्क को ही निकाल रहा हूं बच्चों, मतलब चिंता करने की कोई भी बात नहीं, इस वर्क से ही दिखाऊंगा मैं पहले, W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। अब देखिए यहां पर थीटा है बच्चों, अगर थीटा है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें करना पड़ेगा, और हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट किसके बराबर होता है, फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r², जहां पर चार्ज होता है क्यू और आर स्क्वायर होता है डिस्टेंस। तो बच्चों ये पोजिशन वैक्टर से इसके हैं, तो पी का पोजिशन वैक्टर मैं आर रखता हूं, तो ये इसीलिए डिस्टेंस आर हो जाएगी आर स्क्वायर, इस चार्ज का इस पॉइंट पर यही डिस्टेंस आएगा, दैट्स वाई मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके बराबर बोल सकता हूं। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रयोग कर सकता हूं। तो देखिए बच्चों ये आप समझ गए होंगे, मैं वर्क को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और लास्ट में बोलूंगा कि क्या वो वर्क पाथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता। वर्क से स्टार्ट किया बच्चों मैंने और यहां पर पहुंच गया, तो मैं इसको मिटाता हूं, और यहां पर आप किसका प्रयोग करता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रयोग करता हूं। बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा Q नॉट इंटीग्रेशन E के बदले डाल दूंगा बच्चों मैं 1/4πε0q/r² और आगे मेरे पास है डी एल कॉस थीटा। अब देखिए हम फंस गए हैं बच्चों इस जगह पर, तो यहां पर फंसने का मतलब यह है कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंक्रीमेंट चाहिए होता है। तो बच्चों ये डी एल कॉस थीटा जो है इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो डी एल यहां पर है, थीटा यहां पर है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा पर सोचिएगा, हम यहां से क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मैं थीटा मान रहा हूं, और क्यू से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम है एन। तो मैं लिखूंगा ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर, क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन किस पर, ओपी पर, ओपी
ओपी के ऊपर क्यूएन को, लेकिन ओपी फॉरवर्डेड इसके सामने लिख दीजिएगा, फॉरवर्डेड मतलब ओपी को जो फॉरवर्ड किया है उसके ऊपर मैंने क्यूएन परपेंडिकुलर कर दिया है। आप सोच रहे होंगे क्यों किया, सिर्फ इस चीज के लिए किया क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन अब सॉल्व हो जाएगा। बोलिए बच्चों, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो बच्चों ये आपको हाइपोटेनस लग रहा है लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं है, ये क्या है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेनस है। मतलब मैं इसी तरीके का, इसी ट्रायंगल के स्केच यहां पर बनाना चाहूंगा। ये सोचेगा कि ये एन पॉइंट यहां पर है और क्यू पॉइंट यहां पर है और पी पॉइंट यहां पर है, ये डी एल है, ये पी एन है और ये वाला जो है क्यू एन है और ये वाला थीटा है। बोले बच्चों हमारे पास कॉस थीटा निकालना तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं बोलूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी, पी एन क्यू, पी एन क्यू। बोलिए बच्चों कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बच्चों आपका, पी एन। मैं यहां पर लिख सकता हूं पी एन डिवाइड बाई हाइपोटेनस है डी एल, इसका मतलब यहां से आ सकता है पी एन सॉरी इज इक्वल्स टू डी एल कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों कुछ दिख रहा है हमारे पास कि डी एल कॉस थीटा, हमें यहां पर डी एल कॉस थीटा चाहिए था, डी एल कॉस थीटा के लिए हमारे पास पी एन आ रहा है, पर ये पी एन क्या चीज है, अब इस पी एन को देखेंगे बच्चों। ये पी एन ये क्या चीज है, यहां से देखेंगे, अगर यहां से लेके पी तक आर डिस्टेंस है तो पी से लेके एन तक छोटा सा और डिस्टेंस आ गया, अगर यहां से लेके तक आर है तो छोटा सा और डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या, छोटे से डिस्टेंस को मैं डी आर बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं पी एन इज सिमिलर टू डी आर, देयर फोर डी आर इज इक्वल्स टू डी एल कॉस थीटा। बोले बच्चों समझ आ गया, क्योंकि अगर ये आर है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से एक डिस्टेंस पी से क्यू तक मैं आर मानता हूं और छोटा सा और डिस्टेंस ले लूं तो ये बढ़ रहा है, इसको मैं डी आर मानूंगा बच्चों। अगर छोटा सा अंदर वाली साइड लूं तो उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस डी आर, क्योंकि डी आर में से वो क्या हो रहा होता है बच्चों, कम हो रहा होता है। तो देखिए यहां पर ये लिख दिया, अब मैं इस डी आर का प्रयोग यहां पर करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दूंगा। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी। तो देखिए बच्चों अब कैसे यूज कर सकते हैं हम इसका, हम यहां पे बोलेंगे W इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू नॉट और यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इस सब के लिए मैंने डी आर लिख दिया है। अब बोलिए बच्चों इंक्रीमेंट डी आर में है तो इसका मतलब आर स्क्वायर बचेगा अंदर, बाकी सारे के सारे कॉन्स्टेंट है बाहर चले जाएंगे इंटीग्रेशन के। W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू, क्यू नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट और क्यू बाहर चला गया, अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब तो बहुत आसान हो गया बच्चों, देखिए अब कैसे आसान होगा, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx किसके बराबर होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और उसको यहां पर प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया और इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं r टू द पावर माइनस 2 डी आर, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस हो जाएगी। बोले बच्चों यही फॉर्मूला यूज होने वाला है यहां पर, x के बदले यहां पर r है, dx के बदले dr है और n के बदले माइनस 2 है, इसका लो इसी फॉर्मूले में डालिए W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर देखिए बच्चों अंदर किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए अब ये हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चों, ये हमारे पास, अब मैं इसको मिटा देता हूं और देखिए जरूरी चीज याद रख लीजिएगा, अगर आपने इसको या ऐसे ऐसे कर दिया ये तो हम कंप्लीट निकाल रहे, पर कंप्लीट कहां से कहां जाना है बच्चों, ए से बी तक जाना है, इसका मतलब इसके लिए कौन सा वाला लिमिट दूंगा बच्चों मैं, आर ए, इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं आर ए से कहां तक जाना है, आर बी तक जाना है। तो हर एक जगह पर आप आर ए आर बी यूज कर दीजिए, आर ए आर बी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहां पर आर ए
और आर बी, यहां पर आर ए और आर बी। बोले बच्चों क्या हो जाएगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा वैल्यूज का इस्तेमाल करूंगा यहां पर। तो मेरे पास हो जाएगा W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught, और आगे देखिए आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा मेरे पास r टू दी पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन आर ए टू आर बी, मतलब आर ए से आर बी तक लेके जाऊंगा। बोले बच्चों ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं q नॉट q डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught, और यहां पर लिख सकता हूं माइनस वन बाई आर आर ए एंड आर बी। समझ गए होंगे, ये माइनस जो है यहां पर आर के पावर माइनस वन है, उसको नीचे लेके जा सकता हूं। बोले बच्चों कौन सा लिमिट लगेगा, सबसे पहले अपर लिमिट लगेगा, उसके बाद लोअर लिमिट लगेगा। तो W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught, यहां पर आ जाएगा माइनस वन अपॉन अपर लिमिट, माइनस फॉर्मूले का वन अपॉन लोअर लिमिट। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये जाएगा W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, इसको माइनस माइनस प्लस, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। थोड़ा सा इंक में इंक कम हो गई है तो मैं इसमें इंक डालूंगा, लेकिन शायद विजिबल है अभी भी। इसका मतलब बच्चों जब भी आपको एक जगह से, देखिए अब फॉर्मूला जो हमारे पास आया है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं। हमने देखा कि वर्क हमारे पास आ रहा है क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, ये वर्क है बच्चों। आप यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मैं वर्क निकाल रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डालता हूं, सॉरी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को गौर से देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को जब आप गौर से देखेंगे तो क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट जो है वो क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, तो वो भी फिक्स्ड वैल्यू का, क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। जो ये क्यू है ये भी आपके पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है, ये भी आपके पास क्या होगा, फिक्स होगा। 4 pi epsilon naught जो है वो भी एक कॉन्स्टेंट है, और उसके बाद देखिए वन अपॉन आर ए, आर ए जो है पोजिशन वैक्टर है और आर बी भी पोजिशन वैक्टर है। तो बच्चों इस फॉर्मूले में देख के आप जरा मुझे बताइए क्या यहां पर इस पाथ के बारे में कुछ जिक्र हुआ। बच्चों देखिए और बोलिए, मतलब जो फॉर्मूला मैंने अभी कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले में आप क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले से देखिए और बोलिए क्यू नॉट भी फिक्स, क्यू भी, ये सब वैल्यूज जो है फिक्स वैल्यूज है। और आर ए क्या है बच्चों, आर ए तो पोजिशन वेक्टर है भाई, इस पॉइंट का, मतलब उस लोकेशन के बारे में बोल रहा है इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में आर बी। तो भाई इस रास्ते का कोई जिक्र है क्या, ये रास्ते का जिक्र तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं कहीं। इसका मतलब देर इज नो जिक्र ऑफ दैट पाथ इन दैट फॉर्मूला, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस वर्क, वर्क विच इज डन बाय द फोर्स, किसने किया था, कूलम फोर्स ने किया था, किस पर किया था, टेस्ट चार्ज पर किया था, इज इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट है, इस पाथ के इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे तो आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपके पास ये आएगा बच्चों। देखो यहां से अगर मैं इस W को ऐसे रख दूं डिवाइडेड बाई, अगर इस टेस्ट चार्ज को यहां पर रख दूं और ऐसे कर दूं और आगे लिख दूं Q अपॉन 4 pi epsilon naught और आगे बोल दूं 1 upon RA minus 1 upon RB, तो बोले बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसके ऊपर किया, टेस्ट चार्ज के ऊपर किया है। तो ये पोटेंशियल होगा, पर उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों पोटेंशियल के लिए फिर ये फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों इस चीज को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, पर जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था वो था कंजर्वेटिव नेचर बताना, तो हमने बता दिया। अब हम बोलेंगे कि वर्क डन, देखिए बच्चों हम बोलेंगे कि वर्क डन एक चार्ज क्लोज्ड पाथ के ऊपर, अगर आपको वर्क डन निकालना हो एक क्लोज्ड पाथ के ऊपर तो वो जीरो आना चाहिए,
वो जीरो आता ही आता है। तो बच्चों अब मैं दोनों साइड से यूज कर रहा हूं, दो लव्ज यूज कर रहा हूं, वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। तो वो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए से बी तक जाने के लिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। अब यहां पर क्लोज्ड पाथ के लिए करूंगा और वो आपको समझ आ जाएगा। यहां पर देखिए बहुत इजी है, वर्क के लिए ये रखा हुआ है, अगर पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलेंगे तो इसको इस साइड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, सेम ही चीज मानी जाएगी। तो बोले बच्चों क्लोज पाथ कब बनता है, क्लोज पाथ तब बनता है जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोबारा से मिल जाए। स्टार्टिंग देखिए यहां से क्या कर दूं मैं, ये एक्स वाई और जी रख दूं, एक्स वाई एंड जी, और यहां पर क्या कर दूं ओरिजिन वही लिख दूं पॉजिटिव क्यू, और यहां पर ए रख दूं और यहां पर बी रख दूं। एक पाथ अगर ये हो जाए मतलब दिस इज पाथ नंबर वन और दिस इज पाथ नंबर टू। बोलिए बच्चों ए से बी की तरफ आना और बी से ए की तरफ जाना, तो पाथ कैसा बन जाता है, ये बन जाता है क्लोज्ड। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। बट हाउ कैन इट इज पॉसिबल, तो आप कैसे पॉसिबल करेंगे उसको देखते हैं। बोले बच्चों पाथ नंबर वन कहां से कहां चल रहा है, फ्रॉम ए टू बी, वही चीज करेंगे। ये देखिए बच्चों यहां पर आर ए यहां पर आर बी, बहुत तेज हवा चल रही है बच्चों। देखिए हम क्या करेंगे, ए से बी के लिए पाथ वन का प्रयोग करते हैं और फॉर्मूला मैंने कर दिया है, वर्क किसके बराबर हो जाएगा क्यू नॉट क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। पाथ नंबर टू क्या आएगा बच्चों, पाथ नंबर टू आएगा फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पाथ नंबर टू है, और पाथ नंबर टू पे क्या आना चाहिए, वर्क आना चाहिए क्यू नॉट क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। बोले बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है ए टू बी और ये है बी टू ए, तो बोले बच्चों ये ए टू बी और बी टू ए तो क्लोज बन जाएगा ना, तो हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। बोले बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कॉमन आएगा, ये और ये कॉमन आएगा, अंदर ये और ये बचेंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, और आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो। तो देखिए बच्चों आंसर इज जीरो, अगर क्लोज पाथ का वर्क निकालना आपको तो जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास ये चीज क्लियर होगी, अगर वर्क निकालना वो भी जीरो, या अगर आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है वो भी जीरो। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, बाकी जो लेक्चर्स आपने नहीं पढ़ी हैं, जो चीजें इसके लिए बेसिक्स हैं गॉस लॉ और आपके पास कुलम्स लॉ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।